देखिए आप एक काम कीजिए, आप लोग अभी परेश के घर जाइए, मेरा मतलब है हिमांशु के घर जाइए, हम लोग कुछ करते हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन आप क्या करेंगे? मैं हूँ ना करिश्मा, तो फिर ठीक है, चलो। हाँ चलिए चलिए, हम हिमांशु के पास जाके आते हैं। विक्रम, विक्रम शीतल, मुझे लगता है परेश का लाइट डिटेक्टर टेस्ट करना होगा। अब सच सच बता दे, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। करिश्मा तुम जाओ। परेश अंकल, सवाल का जवाब दो। ए, कितनी प्यारी बच्ची है। कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ, वो भी। मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। अच्छा, तो हिमांशी तुझे याद है कि जब तुझे नींद नहीं आ रही थी तो बाबूजी ने एक दिन लोरी गाई थी और मैं सो गई थी, लेकिन चार बिल्डिंग के बाद सब लोग जाग गए थे, याद है? आपके बाबूजी क्यों मुझे लोरी गा के सुनाएंगे? तो तुझे ये याद है कि एक दिन तेरे सर पे क्रिकेट का बॉल गिर गया था और घबराहट में तुझे छोड़ के बाबूजी बॉल को लेके हॉस्पिटल भाग गए थे, याद है ना? मुझे कुछ याद नहीं है। तो तुझे ये याद है कि मैं तुझे राखी बांधती हूँ? हाँ, दोनों हाथों में और पैर में भी। ऐसी पागल मेरी बहन हो सकती है? पापा, बुआ को पागल मत बोला ना। हाँ, देखो ना, सुना आपने, इसने मुझे बुआ का। हाँ हाँ सुना, हंसा मैंने सुना, मैं अपने कान साथ में ही लाया। देखा भतीजी ने तुम्हें पहचाना, लेकिन हिमांशु तुम्हें नहीं पहचान रहा है, देखा? ना तो ये आपकी भतीजी है और ना ही मैं आपका भाई। परेश तुम झूठ बोल रहे हो। क्या? पापा झूठे, मेरे पापा झूठे। हाँ हाँ परेश, तुम्हारी दिल की धड़कनें साफ बता रही हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। परेश झूठा है। अरे तुम सब लोग झूठे हो। विक्रम, यू टू। प्रफुल, यू टू मतलब? यू टू अंसा। अरे यू याने तुम, टू याने दो, यू टू। हिमांशु को घबराहट के मारे दो दो विक्रम दिखाई दे रहे हैं। मैं पागल हो जाऊंगा। अरे मैं साबित करके रहूंगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। कैसे? अंसा निकाल लो। हाँ, निकाल लो निकाल लो। ए, निकालो निकालो, सबको बाहर निकालो। अरे सबको नहीं, हिमांशु तुम्हारी मूंछ निकालो। देखिए प्रफुल्ल भाई, जो भी हो, आपको परेश की मूछे नहीं खींचनी चाहिए थी, कितनी तकलीफ हुई होगी बेचारे को। हाँ, लेकिन अगर मूछ निकल गई होती तो इसका मतलब ये है कि वो हिमांशु नहीं है, लेकिन मूछ नहीं निकली इसका मतलब ये है कि वो हिमांशु ही है ना? और मूछ निकालते हुए कितने मजे आए हम सबको, है ना? इतने दिनों के बाद हमने पकड़ा पकड़ी खेली है ना। चलिए ना प्रफुल्ल, फिर से जाके मूछ खींचते हैं। चलिए चलिए। अरे नहीं, क्या कर रही आप, मर जाएगा बेचारा। आप बैठिए, मैं इसका गजरा बनाती हूँ। दो गजरे पहनोगी तुम? नहीं नहीं प्रफुल्ल, अब ये उतार देना और दूसरा पहना देना। कितनी प्यारी बच्ची है, नहीं? और ये भाई बहन की जोड़ी तो एकदम सुपक है, सुपक। इन्हें देख के मुझे मैं और हिमांशु याद आ गए। बचपन में ना हिमांशु मुझसे छोटा था। अच्छा, वो अभी भी छोटा ही है। हाँ, अभी भी छोटा ही है, छोटा ही है। हंसा आंटी, आपका गजरा। प्रफुल्ल, हमें मूछ खींचने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, किसी को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। अरे बाप रे हंसा, ये क्या गया तुम्हें? अचानक तुम बदल गई, वहाँ हिमांशु बदल गया, यहाँ तुम बदल गई। आप क्या बोल रहे हैं प्रफुल्ल? अरे वाह, वापस वही हंसा, देखा देखा देखा। प्रफुल्ल, मुझे हिमांशु की बहुत याद आ रही है। चलिए ना हम उधर चलते हैं। चलो चलो। अरे प्रफुल्ल भाई, सब सुनिए। Thank God.
अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं शीतल, एक तो ये कि परेश ही हिमांशु हो, या तो फिर असली हिमांशु को सामने आना पड़ेगा। असली हिमांशु सामने आए, सिस्टम अपनी डायरेक्टरी में हिमांशु नाम ढूंढो और फोन करो। आठ लाख छियालीस हजार 912। देखो मैं 10 लाख तक गिनूंगा, तब तक आप बाहर नहीं गए ना तो मैं कूद जाऊंगा। अच्छा अच्छा, कूद जा कूद जा, इसी बहाने नीचे तो आएगा। अरे क्या सा, वो बहुत शाना है, उसे पता है वो सीढ़ी उतरेगा और गिरेगा तो उसे लगेगा, इसलिए वो कूदने की बात कर रहा है। और नहीं नहीं पोरेस, इधर से कूदोगे तो खाली हाथ पांव टूट जाएंगे, उधर ऊपर टेरेस पर से कूदो। हाँ परेश परेश परेश, देखो अभी तुम्हें कूदने की कोई जरूरत नहीं है, असली हिमांशु का पता चल गया है। अच्छा तो तू कूद जा और बाहर चला जा। क्यों? अरे तू बाहर नहीं जाएगा तो अंदर कैसे आएगा है? अरे वाह हंसुकड़ी वाह, इंटेलिजेंस। नहीं नहीं, आप लोग शायद बिल्कुल समझ ही नहीं रहे हैं, हमारी बात इनसे नहीं हुई है, हमारी बात असली हिमांशु से हुई है। और उसने हमें ये भी बताया कि उसकी उसके हंसा नाम की कोई बहन है। जाओ ना भाई जाओ ना, हिमांशु आ गया है। हाँ आ गया है हिमांशु। अरे उसकी आरती उतार के अंदर ला भाई। हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ओ ना, अरे बहुत खुश हूँ, हिमांशु आ रहा है ना, जान बची। हेलो आवार, खाना खा के जाना हो? हाय हाय हिमांशु, तेरा चेहरा ऐसे बदला बदला सा क्यों है? अरे हंसा, वो उसकी हाइट कम हो गई है और नकली बाल पहने हैं इसलिए, है ना? अरे आप हैं कौन? मैं तेरी बहन हंसा और ये प्रफुल। लेकिन तेरी आवाज भी बदली बदली सी लग रही है। अरे आप मेरी बहन नहीं हो, खामखा टाइम वेस्ट किया। देखा देखा हंसा, सब बदला बदला क्यों लग रहा था? हाँ। मैं खामखा उसको कूदने को कहा ना, जाओ फिर से ऊपर चढ़ जाओ। नहीं नहीं अब प्लीज 2 मिनट रुक जाइए, हमने एक और हिमांशु से भी बात की है। वो भी आता ही होगा अभी। लेकिन वो भी अभी जो आया था वैसा ही होगा ना। तो फिर आप फिर से ऊपर चले जाओ। पर परमानेंट सेट हो जाता हूँ। हाय रब्बा, ये तो बिल्कुल भाई तो सेम है। तुम डिट्टो। मम्मी मम्मी दो दो पापा। बड़ी बहन। अरे हिमांशु आजा आजा। बड़ी बहन। सेम टू सेम। ओ एकदम जुड़वा। सही है, ऐसे जुड़वा है, ऐसे जुड़वा है कि लग ही नहीं कि जुड़वा है। विक्रम भाई, शीतल बहन, थैंक यू, आपकी वजह से मुसीबत टोली। ये सब कुछ करिश्मा की वजह से हुआ है, इसी ने असली हिमांशु का पता चलाया, वो भी हंसा नाम की औरत के भाई हिमांशु का। इधर आ इधर आ, कितनी प्यारी बच्ची है, तूने तो करिश्मा कर डाला है। मेरा नाम ही करिश्मा है, आइंदा कोई तकलीफ हो तो मुझे बोल देना, हंसा हंसा मैं हूं ना। जादू नहीं अजूबा सही, करिश्मा का करिश्मा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।